अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी आपकी तमाम आलम इंसानियत की कामयाबी दीन में रखी है। ये दीन हमारी जिंदगी में आप सबकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आएगा। अब जो तमाशा लग रहा है ये कैसा लग रहा है? नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज कोई नहीं पढ़ा, ये इधर सारे गाने चल रहे हैं, अजान हो रही है, गाने चल रहे हैं, ये क्या, ये मुसलमान, ये मुसलमान। मैं सवाल का जवाब देता हूँ, मैं ये सवाल का जवाब, जब भाईजान इसने नमाज पढ़ ली, अच्छी बात, देखो जब हम इस्लाम की बात, भाईजान जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना, हम जज्बाती कौम है, हम फौरी इमोशनली इंटर यानी कि ना तेज़ हो जाते हैं, इमोशन गुस्से में आ जाते हैं। अब इस भाई ने कहा कि सब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। इस भाई से मेरा ये सवाल है कि आप नमाज पढ़ना फ़र्ज है, हर मुसलमान पर नमाज पढ़ना फ़र्ज है, और नमाज पढ़ना फ़र्ज है, और नमाज हर इंसान अपने लिए पढ़ता है। जो अल्लाह के हकूक हैं वो अलग हैं, अल्लाह की आवाम के जो हकूक हैं हकूकुल इबाद में, ये जो जलसा हो रहा है ये हकूकुल इबाद में आता है। हकूकुल इबाद क्या है? सियासत, इस्लाम की सियासत। हम ये नहीं कहते हम ये मोहम्मद नवाज शरीफ के बात, फर्ज करार दिया है, हमने पहले वो करना है, उसके बाद सियासत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद आपको पता नहीं है, आप रिसर्च करें, आपको इल्म नहीं है, आपने ये जो बात की ना, सियासत बाद में है और नमाज पहले है, आपको इतना ही नहीं पता कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे पहले एक लीडर थे।